दीप की पंजाबी सोई में आज आपका स्वागत है। आज हम कब आपको घर बताएंगे कि घर पर सूजी और बेसन के स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आधी कटोरी सूजी की ली है, आधा कटोरी बेसन की, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हींग ली है जिसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, और घी लिया है यहाँ पर 1 गिलास पानी का। आइए पहले हम इसका घोल तैयार करें। पहले हम सूजी को डाल देंगे और फिर बेसन को। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, और पानी डालकर हम इसका घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका घोल बनाते जाएंगे। जी देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैंने सूजी और बेसन का अच्छे से घोल बना लिया है। अब हम ये देखें, मैंने जो कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है और अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। और जो मैंने हींग ली थी वो भी डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जो घोल है वो भी डाल देंगे। अच्छे से गाढ़ा कर लेंगे और फिर हम गैस बंद करेंगे, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये देखिए, गाढ़ा हो रहा है हमारा, जो जो हमारे स्नैक्स अच्छे से तैयार हो जाएं। ये देखिए, जो हमारा स्नैक्स बनाने के लिए गाढ़ा गोल अच्छे से तैयार हो गया है, जैसे एकदम सब कढ़ाई से इसने छोड़ दिया है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने तक इसे रख देंगे। जी देखिए, कढ़ाई पर मैंने तेल चढ़ा दिया है जो अच्छे से गर्म हो रहेगा, और यहाँ पर जो बेसन और सूजी है वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसे किसी भी आकार में ले सकते हैं। ये देखें, चाहे आप गुलाई में ले लें, चाहे आप ऐसे बना लें। ये देखें, सभी हम ऐसे करके इसे बना लेंगे। ये देखें, ये देखिए, ऐसे करके हम सभी बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे 2 आकार में लिए हैं, एक लंबाई में और एक गोलाई में। अब हम आपको बताएंगे कैसे स्नैक्स बनाते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। ये देखें, एक तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको पलट देंगे आस्ते से। ये बनाने में बहुत ही आसान होते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी। ऐसे में इसे अच्छी तरह से पकाते जाएंगे। हमारे इसमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं दोनों तरफ से। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। देखिए, मैं अच्छे से निकाल लेंगे इसको। तेल को हम अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये देखिए, हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हैं। जब भी आपको नाश्ते में जल्दी हो, आप इसे झट से 5 से 6 मिनट तक में बना सकते हैं। शाम को चाय के साथ भी आप बनाएं।
आप भी इसे घर पर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।